दोस्तों जय हिंद नमस्कार, मैं हूं नीलेश सिंह। और डिफेंस में एनडीए का एक मेन पार्ट होता है एसएसबी, यानी कि सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। सर्विस सिलेक्शन बोर्ड वैसे तो 5 डेज का होता है। 5 डेज में हमारे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर इन 5 दिनों में क्या होता है। हम जब जाते हैं 5 डे के अपने स्टेज वन में, तो सबसे पहले तो मैं क्लियर कर दूं कि ये जो एसएसबी होता है एनडीए का, ये आपके 3 स्टेज पर होता है, स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3। अब मैं बात करूंगा कि आखिर स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3 में क्या क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्टेज 1, और इसको कहा जाता है स्क्रीनिंग ऑफ द कैंडिडेट, यानी यहाँ पर कैंडिडेट जो भी जाते हैं परीक्षा को पास करके उनका स्क्रीनिंग होता है। ये आपका हो गया डे 1। और स्क्रीनिंग के बाद आपका उसी दिन पीपी और डीटी और इसी के साथ साथ आपका ओआईआर आपका हो जाता है। फिर हम बढ़ते हैं अपने स्टेज 2 में। स्टेज 2 में क्या होता है, इसमें शामिल किए जाते हैं डे 2, डे 3, डे 4 और डे 5 तक की बात। डे 2 में हमारा जितना भी साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है एनडीए के अंदर वो हो जाता है। उसमें आपका SD, SRT, WAT एंड TAT के आपके सारे टेस्ट हो जाते हैं। ये सारे टेस्ट साइकोलॉजिकल होते हैं। इसी के साथ साथ डे 3 में हम बात करते हैं तो वहां पर GTO इंटरव्यू होता है कैंडिडेट्स का। डे 4 में GTO यानी कि ग्रुप टास्क इंटरव्यू होता है। इसमें GTO 1, GTO 2 आपका होता है। GTO 1 में आपका लेक्चर, HGT, GOR, PGT और इसी के साथ साथ GPE और GD कराया जाता है। GTO 2 में हम जब बात करेंगे तो वहां पर IO, CT एंड FGT कराया जाता है। फिर हम जब आते हैं अपने डे 5 में, तो स्टेज 3 में इसी के साथ साथ यानी कि डे 5 टू 6 में आपका मेडिकल टेस्ट भी आपका कराया जाता है। और जब आते हैं हम डे 5 में, तो उस दिन होता है कॉन्फ्रेंस और डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट, यानी कि 5वें दिन जो बच्चे सेलेक्ट हो रहे होते हैं उनको उनका रिजल्ट बताया जाता है। तो ये हमने आपको दिया SSB यानी कि सर्विस सिलेक्शन बोर्ड NDA का आपका पूरा एक प्रोसेस। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद।